जो लाल किला 2021 अच्छी फतेह किया तो उस वेले असी फोटो वीडियो कुछ ली जो फोटो असी घर आके वेखे तो सानू पता लगे जो न्यूज़ चैनल जी विखा रहे थे कि दीप सिद्धू ने झंडा लाया इदा कुछ होया तो सानू दीप सिद्धू बारे पता लग्या सी। दीप सिद्धू भाई नू जिहड़ा आपां अकाल चलाना जां मरन नहीं कहांगे असी शहीद कहांगे क्योंकि कौम दे योद्धे आ ना जिहड़े कौम दे योद्धे हुंदे आ उह शहीद हुंदे आ जी। मैं 18 तो 20 साल का हो गया अज तक मैं लाल किले गया पहली बार 2021 26 जनवरी गया से जो फतेह करन गए से तो पहली बार जिंदगी दे विच मैं पंजाब आया तुसीं यकीन नहीं करोगे मैं फर्स्ट टाइम आया इत्थे फतेहगढ़ साहब जो दीप सिद्धू की अंतिम अरदास दे विच शामिल होने लई पहली बार पंजाब आया मैं पंजाब ही पहली बार आया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ ठीक है जी इत निरभउ का अर्थ की है सानू तो पता है सानू डरना नहीं तो निर्वैर फिर साढ़े किसी के नाल वैर भी नहीं है जे असी किसी तो डरना ही फिर सरकारों तो क्या तो डरे जाते हैं। तो निशान साहब का अर्थ लाल किले तो कोई कब्जा करना है कोई वो जिहड़ा रोस उत्थे दिखाना नहीं सी उत्थे यही दिखाना सी दीप सिद्धू भाई ने भी कहा है भी सिख पंथ हजे जिंदा है हजे हिक दे विच वज सकदा सिख पंथ जिहड़ा है। बीते दिनी फिल्मी अदाकार अते किसानी मोर्चे का अहम हिस्सा रहे दीप सिद्धू की सड़क दुर्घटना दे विच मौत हो जाती है आखिरकार अज अंतिम अरदास दे विच शामिल होने लई पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे भारत देश तो वख-वख राज्यां तो श्री फतेहगढ़ साहब विखे संगतां पहुंचियां ने उन्हां नूं अंतिम विदायगी देने वास्ते। साडे नाल इत्थे हरियाणे तो पुजे कुछ नौजवान ने जिन्हां ने कहा कि दीप सिद्धू की लाश जो इन्हां दे पिंड खरकोता पिंड है दस रहे ने उत्थे रखी गई सी गलबात करदे हां। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी सारी संगतां नूं ते दीप सिद्धू भरा नूं असीं पहले तो जाणदे नहीं सीगे जदों किसानी संघर्ष दे विच 26 जनवरी जदों लाल किला फतेह असी कीता असी उन्हूं फतेह दिवस का नाँ देवांगे जदों लाल किला 2021 दे विच असी फतेह कीता ते उस वेले असी फोटो वीडियो कुछ ली जदों फोटो असी घर आके वेखे तो सानूं पता लगे जदों न्यूज़ चैनल जी विखा रहे थे कि दीप सिद्धू ने झंडा लाया इदा कुछ होया तो सानूं दीप सिद्धू बारे पता लग्या सी ते दीप वीर उह तों पहला फिल्मी जिहड़ा कलाकार रहा सानूं उहदा कुछ नहीं पता सी उत्थों सानूं पता लग्या। हुण गल दीप सिद्धू भाई नूं जिहड़ा आपां अकाल चलाना जां मरन नहीं कहांगे असी शहीद कहांगे क्योंकि कौम दे योद्धे आ ना जिहड़े कौम दे योद्धे हुंदे आ उह शहीद हुंदे आ जी ते दीप सिद्धू भाई की कुरबानी जी है वह व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। दीप सिद्धू भाई की साढ़े मैं खरखोदे पिंड तो हाँ जी राहुल सिंह अपने नाल बंटा सिंह है साढ़े सेवा दा तुसीं दोनों हरियाणा तो आहो असी हरियाणा दे विच पिंड खरखोदा ते जिला सोनीपत साढ़े खरखोदे वाले जिहड़ा हस्पताल है उहदे विच ही दीप सिद्धू की जी डेड बॉडी है भरा दी उहदी लाई गई सी। मैं यूपी दे विच सी अपने चाचा जी जिहड़े झज्जर दे विच सी असी बाहर सी उस वेले दो दिन बाद मोबाइल की तुसीं हालत वेख सकते हो खराब सी दो दिन बाद जदों मोबाइल मैं चालू किया पता लग्या तरसेम सिंह मोरावाली उन्होंने अपनी पोस्ट फेसबुक पर पाई हुई सी पहला मैं यकीन नहीं होया कि दीप सिद्धू जिहड़े ने शहीद हो गए ने जदों मैं चैक किया कि अपने तरसेम सिंह मोरावाली ने पाई हुई तो मैंने जाके थोड़ा वो होया मन च बड़ा होया कि इदां ही होना चाहिए सी ते हुण भी असीं यही कहांगे असी उत्थे बैठी कमेटी अपनी कमेटी नाल असी गल कीती है गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर खरखोदा कि दीप सिद्धू दे नां दा इक समागम उत्थे भी रखिया जावे जिथे भरा दा एक्सीडेंट होया KMP जिहड़ा हाईवे जिहड़ा बणिया होया उह साडे तो 3 किलोमीटर की दूरी ते है ते हस्पताल भी साडे तो लागे हैगा साढ़े घर के लागे गुरुद्वारे के लागे ही है ठीक है जी। पर तुसी पंजाब थानू नहीं पता क्योंकि उस उधर तो जाना ज़्यादा नहीं होता पर असी कोशिश कर रहे हैं कि गुरुद्वारा साहब बारे भी जानकारी होवे संगत नू पंजाब वाली नू ते असी अपनी कमेटी नाल गलबात करके उत्थे दीप सिद्धू भाई का जिहड़ा शहीदी समागम जिहड़ा वो आने वाले समय के भी तो हूँ भी मनाया जाए ठीक है जी। तो हूँ असी पहुँचे फतेहगढ़ साहब तो तुसी मैं हैरान है इस गल तो पहली बार जिंदगी दे विच लाल किले दे विच गया सी मैं कदे लाल किले नहीं गया मैं 18 तो 20 साल का हो गया अज तक मैं लाल किले नहीं गया पहली बार 2021 26 जनवरी गया सी जो फतेह करन गए सी ते पहली बार जिंदगी दे विच मैं पंजाब आया तुसी यकीन नहीं करोगे मैं फर्स्ट टाइम आया इत्थे फतेहगढ़ साहब जो दीप सिद्धू की अंतिम अरदास दे विच शामिल होने लई पहली बार पंजाब आया मैं पंजाब ही पहली बार आया मेरी किस्मत वेखो तुसी लाल किले ते गया तो 26 फतेह करन वास्ते जदों गए सी उदों लाल किले तुसी पहली बार एंटर किया सी मैं ते पंजाब दे विच उहदा है ते हरियाणा भी पंजाब ही पहलां तां पंजाब ही सीगा पर जिहड़ा आपां खास पंजाब कह लईए फतेहगढ़ साहब तो इत्थे अमृतसर मैं पहली बार आया ते रब ने चलो किस्मत बख्शी है पहली बार भी एक योद्धे दी यादगार भी आने का सानू मौका मिलिया है चलो हुण ते हो सकता फिर भी दोबारा मौका मिले पर पहली बार योद्धे दी मिले है ना योद्धे दी शहादत नू प्रणाम करने लई उन्हां दी अरदास भी शामिल होने लई
ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯੋਧੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਗੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਗਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਧੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਗਿਣਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਭੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਦੁਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿੰਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੋਂਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਬੋਲਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਂਟੈਕਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਵੀਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਆ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਮਗਾ ਬਈ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਬੋਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਾ ਜੀ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇ, ਸੇਵਾ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਾੜੇ ਬੂੜੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਹਮ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਕੋ 12:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੇ, ਹਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਲੇ, 12:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਏ, ਸੁਬਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ
बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख सिखली कर पढ़ाई सेवा जथा साडा बिरादरी विच मनाया होया है। 5-10 पिंडा विच असी गुरमुखी की पढ़ाई भी करते हैं, मुंडा पढ़ाता है, थोड़ा गरीब घर से है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर सेवा करता है, यदि इच्छा सी। बाकी वीर जी नाल गल करो। वीर जी की काम कर दे? काम तो हुण मैं 10वीं पास की है पिछले 2 सालों तो हरियाणा के साडे स्कूल तो, ते हुण मैं थोड़ा अपना जिहड़ा जिंदरे चाबियां दा काम है वह सीखना लग्या, हले सिखा तो नहीं, नवे ही लोग जिहड़े बेचदा हले। भाई जी कह रहे ने साडे को आउण वास्ते किराया नहीं सी, किराए दा इंतजाम किस तरह कर गया? किराए दा इंतजाम इह आए हुए सी खरखोदा पिंडी, ते मैं जदों फोन इहनां नूं कीता ते मैं कहा मैं कि भी इदां इदां गल हो गई ते उत्थे आपां चलना है, कहिंदा ठीक है, पर मैं कहा जी मेरे कोल ते किराया नहीं है, कहिंदा तूं किसी तरीके नाल इत्थों तक दा किराया लै के आ जा, उत्थों अगे फिर मैं आप शाम लेना है, ते मेरा 100 रुपया लग्या अपने पिंड आने का, इतने मैं आया कि ना यदा अपना 20वां मील तक मेरे 100 रुपये लगे, मैं 100 रुपये के इतों आ गया। उस तो बाद साढ़े चाचा जी भी ने, साडे पढ़ाई सेवा जत्थे के प्रधान भी ने, सेवादार भी ने, ठीक है जी, साढ़े गुरुद्वारे के प्रधान बाबा संतोख सिंह जी ने, तो यही गल है, खालसा सदा न्यारा रहा है, खालसे की सोच भी सदा न्यारी रही है, ठीक है जी। तो दीप सिद्धू की जिहड़ी सोच सी वह एक योधे वाली सोच सी, असी ज़्यादा तो स्पीच सुनी नहीं, पर जिन्नी क स्पीच असी सुनी है, असी वीडियोज़ वेखी हैं, उन्हें सानू गलत कितने नज़र नहीं आया किसी बंदे ने गलत कहा हो। भाई यही बेनती है जी पंजाब वालियां नूं भी, हरियाणे वालियां नूं भी, तो यूपी वालियां नूं भी, तुसीं यूपी दे विच जाके देखो ना, मैं यूपी दे हापड़ दे नेड़े तो आया हूँ खरखोदे दा, मैं पर उत्थे काम कर रहा, यूपी दे विच जिहड़ा माहौल है ना वो असीं वेखदे हां, हिंदू ते मुसलमान भरावां हिंदू भरावां दे विच ना थोड़ा विवाद सो ते सरकारां ने छेड़िया होया है, साढ़े हरियाणा पासे तो इतना नहीं है, जो हिजाब का बैन चल रहा है तो उत्थे बहुत मतलब हड़कंप जिहड़ा मचिया होया है, तो गवर्नमेंट नूं असीं यही गल कहांगे भाई तुसीं एक दीप सिद्धू नूं मारोगे इतने हजारा दीप सिद्धू खड़े हो जाने हैं, ठीक है जी, क्योंकि बंदा मर जाता बंदे की सोच नहीं मरती। ये बेनती असी करांगे, बाकी गुरबाणी नाल भी जुड़े रहो, तो जिहड़े अपने निहंग सिंह जथेबंदियों का पहले बहुत धन्यवाद करांगे, लाल किले जिहड़ी घटना वापरी सी ना उहदे विच निहंग सिंह जथेबंदियों ने बहुत एक अहम जिहड़ा योगदान दिता सी। थानू वीडियो विखाई गई सी कि लाल किले दे विच पुलिस वालियां नूं कुटिया जा रहा सी, मैं नाल सी, थोड़े वर्गे दो मुंडे सीगे, जदों तुसी जदों 26 जनवरी की घटना होंदी है जो दीप सिद्धू का जत्था गया है अंदर जो झंडा लहराउण गए ने, तुसी नाल सीगे? नहीं, असी वो जत्था तो पिछा सानू नहीं पता सी किहड़ा जत्था है, जदों मैं पहली बार लाल किले ते वड़िया ना मैं दूजा फोन सीगा, मैं फ्रंट कैमरे ते वीडियो बना रहा सी, मैं बड़ा खुश होया उत्ते झंडा चाड़ रहा सीगा जिहड़ा नौजवान केसरी रंग दी उहने पगबंदी होई सी, मैं कहा वी इह देखो खालसे दा राज, मैं पहली बार लाल किले दे विच आया ते खालसे दा राज अपनी अखां नाल वेख रहा, मैनू नहीं पता दीप सिद्धू कौन है, वो तो जदों थी असं घर आ गए घर के न्यूज़ देखी ना असी कि दीप सिद्धू ने झंडा चाड़िया, मैं कहा जी भी ये बंदे ने तो झंडा नहीं चाड़िया, मैं तो वेखिया झंडा चाड़िया ने सरूपा भी दिता गया कंधे ते उन्हूं बिठा के लाया गया, फिर कहते भाई ये उहदे जत्थे नाल सी तां करके सैलीब्रिटी ला लो तां करके इहदा नाँ आ रहा है, एक तो असी किसी बंदे का कल्ले का नाँ नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो पूरा पंथ उत्थे गया तो हिंदू भी सी मुसलमान भी सी, किसी ने इतराज नहीं किया झंडा चाड़न तो, जदों चीन के विच भी साडा उत्थे हद ते चीन के हद च जदों फौजियों नाल उत्थे भी साडा निशान साहब लहराया जांदा है, ते निशान साहब दा अर्थ लाल किले ते कोई कब्जा करना है कोई वह जिहड़ा रोस उत्थे दिखाना नहीं सी, उत्थे इही दिखाना सी, दीप सिद्धू भाई ने भी कहा है वी सिख पंथ हजे जिउंदा है, हजे हिक दे विच वज सकदा सिख पंथ जिहड़ा है, लाल किला उवें साडा है, दिल्ली दे फतेह कीती होई है, ते 20 वार साडे फतेह कीती, 21 वार भी असीं फतेह कर ली, 19-20 मार असी, ठीक है जी, जी बिल्कुल। ये सन साढ़े नाल नौजवान हरियाणे तो जिन्होंने कहा कि आने वाले समय से दीप सिद्धू दी सिद्धू की सोच से डट के पैरा देंगे, बेशक हरियाणे तो नहीं इन्हों को आने वास्ते किराया नहीं सी, किराए का किस तरह बंदोबस्त करके अज दीप सिद्धू की अंतिम अरदास दे विच जरूर शामिल हुए ने। मनजिंदर सिंह दे नाल सिमरनजीत सिंह ढिल्लों, पंजाबी लोक चैनल, श्री फतेहगढ़ साहिब।